गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सपोर्ट करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। साखी का हिंदी वर्जन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। पिछली साखी विच आप जी ने देखा कि बाबा श्री चंद जी नू गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी अते गुरु अर्जन देव जी मिले सन। हुन अगे असी देखते हां कि की होया। छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी बाबा श्री चंद जी दे दर्शनां दे लई बारठ साहिब गए। उन्हां दे नाल चार साहिबजादे भी सन, क्योंकि साहिबजादे बाबा अटल राय जी ज्योति जोत समा चुके सन। इसलिए बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमाल जी, बाबा अनिराय जी अते गुरु तेग बहादुर जी नाल सन। गुरु जी बाबा जी नू नमस्कार करके बैठ गए अते 500 रुपए नगद अते एक घोड़ा बाबा जी नू पेंट किता। बाबा जी ने चारों साहिबजादियां नू देख के बड़े विस्मात विच आके कई असीसां अते वार दिते। गुरु जी ने सब तो वड्डे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी नू बाबा जी नू पेंट कर दिता। बाबा जी ने बाबा गुरदित्ता जी नू अपना शिष्य बना लिया अते मुख तो वर दिता, बाबा गुरदित्ता दीन दुनी दा टिक्का। बाबा गुरदित्ता जी नू पेंट करके श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने साहिबजादियां समेत वापस अमृतसर आ गए। बाल ब्रह्मचारी शक्तियां दे पंडार शिव स्वरूप बाबा श्री चंद जी महाराज पिंड सिद्धवां जिला गुरदासपुर विच धूना लगा के तप कर रहे सन। तूने दे इर्द गिर्द इलाके दियां संगतां इस तरह जुड़ियां सन जिवें चंद दे सारे पासे तारियां दा परिवार हुंदा है। बाबा श्री चंद जी ने समाधि लगाई हुई सी। अचानक ही जदो उन्हां दी समाधि खुली तां संगतां ने दस्या, बाबा जी छवे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी पधारे हन। कुछ समय पिछों गुरु जी ने सिख सेवकां सहित बाबा जी दे कोल आके उन्हां नू नमस्कार किता। एक सिख सेवक ने किला गढ़ के महाराज दा घोड़ा बन दिता। बाबा जी ने बड़े आदर दे नाल उन्हां सारिया नू अपने कोल बिठाया अते उन्हां दा हाल चाल पुछया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दस्या कि असी हुशियारपुर तो आए हां अते आप जी दे बारे पता लग्या कि आप सिद्धवां विराजमान हो, इसलिए आप जी दे प्रेम ने इस पासे खिंच लिया अते आप जी दे दर्शनां दे लई आ गए। बाबा जी बड़े प्रसन्न होए अते अनेका आशीर्वाद दिते। जांदे होए एक सिख सेवक महाराज दा घोड़ा खोल के किला कड्डन लग्या तां बाबा जी ने कथन किता, भाई गड्डिया होया किला कड्डदे नहीं, एथे तां दरखत उगेगा अते अग्गे चल के ए दरखत साडे मिलाप दी याद बन जाएगा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी फिर उत्थों अमृतसर आ गए। गुरु जी दा घोड़ा बनन दे लई जिथे किला गड्डिया गया सी उत्थे बेरी दा दरखत बन गया जो आज तक विद्यमान है। उन्हां दी याद विच गुरुद्वारा भी बनाया होया है अते एथे बाबा जी दा धूना तपदा है। एथे लकड़ी दी जड़ भी बेरी दी ही है। कुछ समय पिछों आप डेरा बाबा नानक चले गए, ओहो बेरी दी जड़ भी एक बेरी दा दरखत बन गया जो आज तक विद्यमान है। उत्थे भी उन्हां दा एक छोटा जिहा स्थान बनिया होया है। अज भी उत्थों दे निवासी बेरी दी विभूति अपने मस्तक ते सत्कार नाल लगांदे हन। सतनाम श्री वाहिगुरु।